कोहरे की घनी चादर के साथ ही सर्द हवाएं उत्तर भारत के कई हिस्सों में अपना कहर बरपा रही हैं। उत्तरी हिस्से के मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी कई दिनों से घने कोहरे के आगोश में है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के चलते ठंड का कहर काफी बढ़ गया है। दिल्ली NCR में भी आगामी दिनों में ठंड के और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते लगभग रोजाना ट्रेन और विमानों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रेलवे विभाग की जानकारी के मुताबिक कोहरे की वजह से लगभग 50 ट्रेन देरी से चल रही हैं और करीब 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के पालम इलाके में सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। कोहरे ने विमानों की आवाजाही पर भी असर डाला है। दिल्ली से जाने आने वाली करीब 5 अंतर्राष्ट्रीय और 9 घरेलू हवाई उड़ानें देरी से चल रही हैं। वहीं एक घरेलू हवाई उड़ान को रद्द कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवा में नमी का स्तर अधिकतम 100 और न्यूनतम 41% रिकॉर्ड किया गया। सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे और सर्द हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखते रहिए DB Live।